हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, रशिया द्वारा यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा मॉडर्न एयरक्राफ्ट और वेपन्स जो हैं वो यूज किए जा रहे हैं यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट में। और रिलेटिवली बेटर माने जाने वाले जो उनके इक्विपमेंट्स हैं, जिनमें SU-35, Ka-50 और Mi-28 जैसे हेलीकॉप्टर्स जो हैं, उनके क्रैश देखे गए हैं। यूजुअली उनको मैनपैड सिस्टम से या फिर एयर डिफेंस से शूट डाउन किया गया है। तो अभी लेटेस्ट में जो फोटो निकलकर सामने आई है वो रशियन SU-35 के निकलकर सामने आई है। पहले ही हम SU-34 के और SU-25 के क्रैशेस को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या रीजन हो सकते हैं कि इनके जो इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस एयरक्राफ्ट माने जा रहे हैं वो ऐसे शूट डाउन किए जा रहे हैं। तो लेटेस्ट में SU-35 का क्रैश हुआ है, इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप फोटोग्राफ को देखेंगे तो इसका जो डेब्री है वो ऑलमोस्ट इंटैक्ट लगता है। टेल फिन को देखेंगे तो वो जला हुआ दिखता है, तो ऐसा लगता है कि वहाँ से डैमेज हुआ है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि वहाँ पर फ्यूल कैरी किया जाता है, इसलिए वो पूरी तरीके से जल गया है। बाकी विंग्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दोनों इंजन्स देख सकते हैं, सामने आपको नोज भी दिखाई दे रही है। तो ये कोई ऐसा क्रैश नहीं लगता है कि इसे मिसाइल ने हिट किया है, क्योंकि अगर मिसाइल हिट करती है तो एयरक्राफ्ट के दो टुकड़े हो जाते हैं। हवा में ही एयरक्राफ्ट इतना डिस्ट्रॉय हो जाता है कि उसके जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग जगह पर गिरते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एयरक्राफ्ट आराम से क्रैश किया है और उसके बाद जल गया है। तो यहाँ पर कई रीज़न हो सकते हैं। यूजुअली मिसाइल हिट में क्या होता है कि जब एयरक्राफ्ट काफ़ी हाई स्पीड पर फ्लाई कर रहा हो मिसाइल को डॉच करने की कोशिश में, और तब अगर मिसाइल आके हिट कर जाए तो एयरक्राफ्ट यूजुअली बीच से टूट जाता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है। या तो ये हो सकता है कि प्रॉक्सिमिटी हिट हुआ हो और जो मिसाइल के फ्रेगमेंट्स हैं उन्होंने इसके कंट्रोल सर्फेसिस को डैमेज किया हो। इसमें या तो स्टेबलाइजर डैमेज हो सकता है या तो फ्लैप्स वगैरह डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट है उसने अपना कंट्रोल खो दिया हो और पायलट को बचाते बचाते एयरक्राफ्ट से मजबूरी में इजेक्ट करना पड़ा हो, जिसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट है वो इंटैक्ट ही जाकर नीचे गिर गया। यहाँ पर हम डॉग फाइट्स में भी डैमेज को नकार नहीं सकते। तो SU-35 के जो पहले वीडियोस रिलीज किए गए थे रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा, वहाँ पर एंटी रेडिएशन मिसाइल को दिखाया गया था SU-35 के साथ। तो जो एंटी रेडिएशन मिसाइल्स होती हैं उनको यूज़ किया जाता है एनिमी एयर डिफेंसेस के अगेंस्ट में, उनके रडार को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इसके द्वारा एनिमी एयर डिफेंस को टारगेट करने की कोशिश की गई हो, लेकिन इससे पहले वहाँ से मिसाइल को लॉन्च किया गया हो इस एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में, और डॉच करने की कोशिश में जो मिसाइल है उसका प्रॉक्सिमिटी हिट हुआ हो और इसके फ्रेगमेंट्स की वजह से इस एयरक्राफ्ट को डैमेज पहुंची हो। तो कॉम्बैट में एक क्रैश जो है वो एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी को डिफाइन नहीं करता है। SU-35 का ये पहला क्रैश है और कॉम्बैट जो है वो कई दिनों से चल रही है और ये एयरक्राफ्ट जो है वो कई दिनों से इन्वॉल्व है। तो यूक्रेन द्वारा पहले भी SU-35 को मार गिराने के क्लेम्स किए गए हैं, जिसमें फेमस गोस्ट ऑफ कीव द्वारा SU-35 को मार गिराने की बात कही जा रही थी, लेकिन ये पहला ऐसा इंसिडेंट है जहां पर इस चीज़ को कंफर्म किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास फोटोग्राफ है जिसमें हम क्लियरली इस एयरक्राफ्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे क्रैशेस की, जहां पर हमने Ka-50 हेलीकॉप्टर्स के क्रैशेस देखे हैं, और ज़्यादातर क्रैशेस में जो वो हेलीकॉप्टर है इंटैक्ट ही लैंड किया है और जो क्रू है वो सर्वाइव किया है। तो जब हमने Ka-50 हेलीकॉप्टर्स की बात कही थी तो हमने बताया था कि कैसे इसमें डिफेंसिव सूट को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा गया है और यहाँ पर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भी है, लेज़र वार्निंग रिसीवर्स भी हैं, रडार वार्निंग रिसीवर्स हैं, साथ में डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम को भी दिया गया है। तो इतने बेहतरीन डिफेंसिव सूट होने के बाद हमें इसके क्रैश जो हैं वो क्यों देखने को मिल रहे हैं? तो ये बात हम आपको बता दें कि जब आप एनिमी एयर स्पेस में एंटर करते हैं तो एक एयरक्राफ्ट को काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है वहाँ पर जो एयर डिफेंस सिस्टम्स तैनात हैं उनसे, उसके बाद जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं उनसे, साथ ही साथ जो हवा में एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं उनसे। तो ये हेलीकॉप्टर जो हैं ये ग्राउंड सपोर्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं और काफ़ी लो फ्लाई कर रहे होते हैं। तो एक बार में अगर मल्टीपल मैन पैड्स जो हैं वो फायर करी जाएंगे इस पर और एयर डिफेंस सिस्टम्स को यूज़ किया जाएगा, तो कितना भी बेहतरीन आपके पास सेल्फ डिफेंस सूट हो वो आपको बचा नहीं सकता। वो खतरे को कम कर सकता है पर टाल नहीं सकता। साथ ही साथ हमारे पास इन हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट की फोटोग्राफ जरूर हैं, पर हमारे पास ये नंबर नहीं है कि कितनी मिसाइल्स जो हैं वो इन प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट में लॉन्च करी गई थी, साथ ही साथ कितनी मिसाइल्स को इन्होंने डॉज किया था। तो हम खाली डैमेज को देखकर किसी भी प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी को बता नहीं सकते। और यूक्रेन द्वारा भी लेगेसी सोवियत एयर डिफेंस सिस्टम्स को यूज़ किया जाता है जो कि काफ़ी कैपेबल माने जाते हैं, साथ ही साथ उनको नई सप्लाई भी मिल रही है स्टिंगर जैसी मिसाइल की, जो कि काफ़ी ज़्यादा कैपेबल मैनपैड सिस्टम्स हैं। फिर भी ऐसी कई रिपोर्ट्स थी जहां पर S-300 जैसे सिस्टम्स को भी डिस्ट्रॉय किया गया था रशियन एयरफोर्स द्वारा। बाकी कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रोपागेंडा से भी रिलेटेड हैं।
रशियन सक्सेस को यहाँ पर थोड़ा डाउन प्ले करके दिखाया जा रहा है ताकि यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस का जो मोराल है वो ऊपर रहे। लेकिन जिस तरीके से रशियन आर्म फोर्सेस जो है वो आगे बढ़ रही हैं, उन्होंने एक्चुअली बेटर परफॉर्म किया है अमेरिका से जब उन्होंने इराक को इन्वेड किया था। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि दोनों की सोवियत हिस्ट्री है, तो रशिया को एग्जैक्टली पता है कि कहाँ पर स्ट्राइक करना है जो कि यूक्रेन को नुकसान करेगा। तो ये जो कुछ एयरक्राफ्ट क्रैश हो रहे हैं ये एक्चुअली उनके इक्विपमेंट की इन्फीरियोरिटी को नहीं दिखा रहे हैं, इसको ज़्यादातर मीडिया में डाउनप्ले करके शो किया जा रहा है। ये काफ़ी इफेक्टिव रहे हैं जिसकी वजह से उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको इफेक्टिवली सप्रेस करने में कामयाब रहे हैं, तभी इतने बड़े एरिया में वो अपना कंट्रोल स्थापित करने में सक्सेसफुल रहे हैं। और ये चीज़ हमने पहले भी कही थी कि वॉर में क्या चीज़ कितना बेहतर परफॉर्म करी है, इसके बारे में क्लियरली बात तभी हो सकती है जब वॉर ख़त्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को काफ़ी तेज़ी से चलाया जा रहा है, जहाँ पर रशिया की डैमेज को काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है और यूक्रेन की डैमेजेस को डाउन प्ले किया जा रहा है। तो एक बार वॉर ख़त्म हो जाएगी तभी हम इस चीज़ को क्लियरली डिस्कस कर सकते हैं कि इनके इक्विपमेंट कितने ज़्यादा इफेक्टिव रहे हैं। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।